सबको नमस्कार। मेरा नाम भावेश मेहता है और गुजराती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी पहचान को अपना बताना अच्छा समझूंगा, क्योंकि जो अपने संस्कार और संस्कृति है वो अपने हिंदुस्तान की पहचान है। और हिंदुस्तानी होने की वजह से ये जो संस्कार और संस्कृति है वो हिंदुस्तानी होने की वजह से है, क्योंकि संस्कृति भारत की सबसे पुरानी है। और हमारा एक NGO है मुंबई गुजराती संगठन करके, जिसमें हम लोग मातृभाषा की स्कूल्स जो है उसको अपग्रेड करने के लिए वो टिकी रहे और अपने बच्चे सब अपने मातृभाषा में पढ़ाए, इसके लिए लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और महाराष्ट्र की जितनी भी गुजराती माध्यम की शाला है वो सबके साथ में कनेक्टेड है, 73 स्कूल से तो सबके साथ में हम लोग कनेक्टेड है। और हर एक स्कूल की अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहती है, तो हर एक स्कूल टिकी रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाए। देखो आज कल्चर का डिफरेंस होता है करके अपना क्या बोलते गैप, जनरेशन गैप दिख रहा है, लेकिन वो जनरेशन गैप पहले भी था, नहीं था क्या? पहले भी था, लेकिन तभी माँ बाप अलग नहीं होते थे। ये अलग होना कब से चालू हुआ? जब से अपना एजुकेशन खराब हो गया, जब से अपने कल्चर से दूर होके एजुकेशन हुआ, इसके लिए जनरेशन गैप दिखने लगा। तो हमारा ये कहना है कि जब अपने एजुकेशन में अपने संस्कार के साथ में अपनी संस्कृति के साथ में आप पढ़ोगे तो अपने आप सबसे जुड़े रहोगे, और अपने तो अपने हैं लेकिन पूरे मानव जात को पूरे विश्व को अपना बना के रख सकते हो, और यही भारत की ताकत है। भारत सबको अपना बना के रख सकता है। देखो हमारी गुजराती मीडियम की मराठी मीडियम की स्कूल में ना, मदर टंग की स्कूल में ना, हम बोलेंगे अच्छे से अच्छा अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में क्या बोलेंगे? गुजराती नहीं बोलना है, मराठी नहीं बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है, सिर्फ अंग्रेजी बोलना है। यहाँ फर्क है, वो लोग दूसरे को ना बोलते, हम लोग दूसरे को अपना लेते, तो ये फर्क है हमारी संस्कृति में और ये पाश्चात्य संस्कृति में। और ये हमारी पूरी युवा टीम है, आज जितने भी बच्चे हैं हम लोग 73 स्कूल्स के साथ में जुड़े हुए 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, पेरेंट्स अवेयरनेस मीटिंग करते हैं, दूर दूर से बच्चे लोग स्कूल में जाए, मदर टंगी स्कूल में जाए इसके लिए व्हीकल का बंदोबस्त करते हैं, स्कूल ड्रेस देते हैं, स्कूल फी देते हैं, टीचर्स के प्रोग्राम करते हैं, टीचर्स के कॉम्पिटिशन्स करते हैं, स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिशन्स करते हैं, स्टूडेंट्स के मोटिवेशनल वर्कशॉप्स लेते हैं। वेकेशन में 40 लोगों की, युवाओं की मेरी टीम है, जो अपने बच्चे जो मदर टंग में पढ़ते हैं वो अंग्रेजी माध्यम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आएगी, वो एक डर है, पेरेंट्स को डर है कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आएगी तो कॉलेज में आगे जाके तकलीफ होगी। तो हम लोग ने लास्ट 5 साल से 40 युवाओं की टीम को तैयार की है, जो हर एक स्कूल में जाके वेकेशन में 1 महीना हर रोज का 2 घंटा हर एक क्लास में 2-2 ट्यूटर्स रख के स्पोकन इंग्लिश करवाते। जब भी 5 साल से कोई बच्चा वेकेशन में इंग्लिश सीखेगा तो यू इंग्लिश बोले, और लास्ट दिन पे जब भी पेरेंट्स के सामने वो बच्चे परफॉर्म करते हैं, स्किट करते हैं, तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ गुजराती मीडियम में, मदर टंग के मीडियम में, वर्नाकुलर मीडियम में भी अच्छा इंग्लिश सिखाते हैं, तो सब कुछ अंग्रेजी में सीखने की क्या जरूरत है? अपने को हिस्ट्री ज्योग्राफी अंग्रेजी में सीखने की क्या जरूरत है? मैथ्स और साइंस जो लॉजिकल सब्जेक्ट है उसको अंग्रेजी में सीखना ही नहीं चाहिए, अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज सीखना जरूरी है। हमारा स्लोगन है मातृभाषा का माध्यम अंग्रेजी उत्तम शिक्षण सर्वोत्तम, यानी तुम मदर टंग में पढ़ो, अच्छे से अच्छा इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखो तो बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। तो वो एक, और दूसरा एक स्लोगन है हमारा, मेरी मातृभाषा मेरी जवाबदारी। हर एक हिंदुस्तानी की, इतने सारे राज्य है, इतनी सारी भाषा है, तो हर एक को अपनी मातृभाषा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी मातृभाषा के लिए दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, तो जब तक हम खड़े नहीं होंगे अपनी मातृभाषा के लिए, कोई अपनी मातृभाषा के लिए आगे नहीं आएगा। जब भी इसराइल के हिब्रू लोग, हिब्रू मरने वाली थी, तो पूरे वर्ल्ड में से हिब्रू लोग जमा होके हिब्रू भाषा को वापिस जीवन कर दे, आज इसराइल पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया, आज सबको बीट कर सकता है इसराइल। तो उतनी ताकत है मातृभाषा में, उतनी ताकत है। तो वो संस्कार और संस्कृति के साथ में ये हर एक बच्चा हमारा मदर टंग में पढ़ा हुआ है। मेरा खुद का बच्चा शुभम, वो 12वीं में अभी है, यानी 12वीं का तो एग्जाम नहीं है लेकिन सीधी करना है, तो उसको भी मैंने आज से 12 साल पहले, मेरे पूरे फैमिली में सब एजुकेटेड है, CA है, ज्यादा करके CA ही है, मैं अकेला एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं खुद गुजराती मीडियम में पढ़ के डबल डिग्री हुआ हूँ,
तो मुझे मालूम है कि मदर टंग में पढ़ने से तुम्हारा फंडा कितना क्लियर रहता है, कितना स्ट्रांग रहता है, तुम्हारे खुद की सोच है, खुद के विचार है, तुम कॉपी पेस्ट वाले विचार नहीं करते। ये इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी पेस्ट यहाँ के उठा के यहाँ लगा देते, चिपका देते। कॉपी पेस्ट वाले सोच नहीं चाहिए, खुद की सोच चाहिए, खुद की विचार चाहिए। तो ये सब बच्चे मदर टंग में पढ़े हुए है, इसके लिए खुद की सोच है। और ये सब मुंबई गुजराती संगठन से जुड़े हुए, क्योंकि ये भारत की कोई ना कोई स्कूल में कहीं ना कहीं मुंबई गुजराती संगठन काम करते हैं। वो स्कूल में जाके स्पोकन इंग्लिश करते हैं, एसएससी के टॉपर्स को लास्ट 5 साल से हम लोग प्राइज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे लोग को भी मन में हुआ, वो लोग एनुअल डे में मैं गेस्ट के हिसाब से जाता हूँ तो वो लोग को मोटिवेट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे लोग को मन में हुआ कि हमें भी मातृभाषा का ये जो कैंपेन है, मातृभाषा का जो जन जागृति अभियान है, उसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने देखा है जब हमारी एज के या मिडल एज के पेरेंट्स बोलते हैं ना, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितने ये बच्चे लोग के मुंह से मातृभाषा का गुणगान निकले। तो आज ये बच्चे लोग को पूरी टीम 25 लोगों की, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में कभी कभी बोलता हूँ, आप लोग जैसा फैमिली है ना, ऐसे शुभा का अकेला मेरा बच्चा नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरे को 14 बहू लानी है और 8-11 बजे भी कॉन्फ्रेंस कॉल करके, वीडियो कॉल करके बात करते, सर आज मिले नहीं, आज बात नहीं की। तो इतना अच्छा अटैचमेंट है। लड़की लोग बोलते हैं कि हमारे मम्मी डैडी को नहीं मालूम होता, सर आपको मालूम है। अच्छा, मैंने एक रूल निकाला है, सर नहीं बोलना है, सर गुलामी का प्रतीक है। रिस्पेक्ट करना है तो आप बड़े भाई बोल सकते हो, ना बोल। सब लोग ने मेरा एक शॉर्ट नेम रखा है बीबी, बीबी यानी भावेश भाई, तो सब लोग बीबी से बुलाते हैं मेरे को। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि सर नहीं बुलाना है। ये जो अंदर से आता है ना, सर में एक गेप बन जाता है, ये अंदर से आता है कि तुम अपने से बात कर रहे हो, अपने अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो, तो ये अपनापन ये लोग को मिल रहा है। और इसी की वजह से आज कहीं भी इतनी सारी लड़कियां आ रही है, उनके पेरेंट्स को कुछ भी फिक्र नहीं है, कितने बजे भी आओ कितने बजे जाओ कुछ टेंशन नहीं है। तो ये सब मेरे बच्चे हैं। और ऐसे 73 स्कूल है, वो सबके बच्चे मेरे बच्चे। हर एक स्कूल में जाता हूँ, हर एक स्कूल के बच्चे लोग से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर्स लेता हूँ, बहुत सारी चीज करता हूँ। हमारे बच्चे जनरली शुभांग को पहले से मैंने आदत डाली कि शुभांग का बर्थडे हर बार मैं बाराश्रम में गुजारता हूँ। आज से 3 साल पहले अवलखंडी में बाराश्रम में, वहाँ 250 बच्चे हैं, यानी रेसिडेंशियल आश्रम है, स्कूल है, तो वहाँ 120 बॉयज थे और 130-140 गर्ल्स थी। तो 2 दिन हम लोग वहाँ रुके, वहाँ वो लोग के साथ में रहे, वो लोग के साथ में खाना पकाया, वो लोग के साथ में बर्तन धोए, वो लोग को हम लोग ने पिरसा, वो लोग के साथ में गेम खेले, वो लोग के साथ में भजन गाए। वहाँ भी वो इतना बड़ा होल है वो लोग का, 250 बच्चे एक साथ में बैठ सकते हैं ऐसा। तो रात को वहाँ रुके थे हम लोग, 2 दिन रुके थे। तो रात को जनरली वो लोग 10 बजे का सोने का टाइम है, हम लोग रात को 12 बजे तक सब लोग ने, बच्चे लोग ने अपनी आदिवासी लैंग्वेज के भजन कीर्तन गाए। हम लोग ने हमारी तरफ से, हम लोग भी ये भी सोच के आए थे कि हम लोग सब लोग भजन करेंगे साथ में। और ये बच्चे आज की तारीख में ये बच्चे लोग मीन्स डिस्को भी करते हैं, आज के सॉन्ग भी गाते हैं, लेकिन ये बच्चे लोग को पुराने सॉन्ग भी याद है, ये बच्चे लोग को भजन भी आता है, ये बच्चे लोग को अपनी कविताएं जो अच्छी अच्छी है वो भी याद है। तो जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं वही देश का उद्धार कर सकते हैं, उसके सिवा चारा नहीं है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर एक पेरेंट्स को हम लोग कन्विंस करें कि मातृभाषा में बच्चे लोग को पढ़ाओ, अपने संस्कार अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े रहो, तो ये वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब अपने पर, हाँ अपनापन सब जगह पे मिलता है, क्योंकि भारत देश ही ऐसा है, भारत देश ही ऐसा है कि 2 मिनट ट्रेन में, 2 घंटा ट्रेन में साथ में चलने वाला अपना दोस्त बन जाता है, वो देश ही ऐसा है, ये संस्कृति ही ऐसी है। फिर भी एक वृद्धाश्रम का जो नौबत आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम पे प्रहार होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए। और वो बदलेगी, अपनी पुरानी वाली गुरुकुल पद्धति आएगी तो अपने आप सब कुछ सही होगा। अच्छा, गुरुकुल के हिसाब से जगह नहीं है, लेकिन गुरुकुल के सिस्टम से स्कूल में तो वह सिस्टम डाल सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे स्कूल में संस्कृत चालू करवा दिया। आजकल हम लोग एक स्कूल में राशन किट देने को गए थे, 7वीं क्लास की बच्ची गीता का 15वां श्लोक पूरा गीता का फर्स्ट क्लास बोल के गई। तो ये चेंज आ रहा है, अभी ये चेंज जरूरी है, प्रो चेंज आ रहा है, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर एक स्कूल में आए। और इतना है कि मैं जानता हूँ कि जब ये बच्चे लोग में ये संस्कार अभी से जाएंगे तो डेफिनेटली
उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी वही हिसाब से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग में वो बचपन से डाला हुआ है। तो ये लोग सबको अपना बना के रख ले। आज किसी का भी बर्थडे रहेगा तो कोरोना की वजह से, वरना मेरे घर पे भी सबकी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, करण की बर्थडे पार्टी में बहुत मजा किया था हम लोग ने। कोरोना की वजह से शायद सब लोग नहीं मिल पाते थे, तो मैं सरप्राइज वो लोग के घर पे विजिट मारता हूँ, वो उसका घर पे जाके बर्थडे मनाते। हम लोग कभी बर्थडे में केक नहीं काटते। हम लोग आज भी सुबह पहले घर पे हम लोग ने शुभांग का हम लोग बर्थडे ऐसे मनाते कि हम लोग पहले भगवान की आरती करते, भगवान को नैवेद्य धरते, शुभांग के हाथों से करवाते हैं, फिर शुभांग को हम लोग टीका करते, उसकी आरती उतारते और मिठाई खिला के हम लोग करते। ठीक है, बच्चे लोग यंग है, केक खाने का मन करता है तो केक लेके आते हैं, वो लोग करते, लेकिन बर्थडे हमारा वो हिसाब से नहीं मनता। इसलिए आज भी हम लोग केक नहीं लाए, आज भी हम लोग मिठाई लाए। हम लोग कभी भी केक काट के, हम लोग तो वो मोमबत्ती बुझाने वाले नहीं, हम लोग दिया प्रगटाने वाले। हमारी संस्कृति दिया प्रगटाने वाली संस्कृति है, हमारी संस्कृति बुझाने वाली नहीं है, प्रकाश देने वाली हमारी संस्कृति है। तो हम लोग ने वो एक आदत डाली हुई है, सब लोग अपना बर्थडे वो हिसाब से मनाते हैं और अच्छे से। अभी आज यहाँ क्योंकि बालाश्रम सब जगह पे बंद है, सब बच्चे लोग को घर पे भेजे, तो हम लोग सोच रहे थे नहीं कुछ भी हो जाए, हमको ऐसी जगह पे जाना है कि बच्चे लोग को कुछ नहीं सीख मिले, कुछ ना कुछ अब सोचे, कुछ ना कुछ जाने। पिछले 3.5 साल से मुंबई संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, भावेश भाई के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, ये सब हमारी नई टीम है। मैं सच्ची बोलूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत नई टीम है, प्लस अगर आप हमारी पूरी टीम देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हम लोग अभी 12 बच्चे हैं और ऐसे 12 और हैं जो पढ़ाई के वजह से अभी और कुछ काम में उसके वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त टीम है और भावेश भाई के गाइडेंस है जो मुंबई गुजराती काम कर रहा है, और काम करने के साथ साथ हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं वो हम कभी घर पर नहीं सीख पाए, वो श्योर बात। और वो भी है कि घर पे आप जितना सीखते हो उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा आप बाहर निकल के सीखते हो, और अगर भावेश भाई जैसा कोई गार्डियन सबको मिल जाए, बहुत बहुत सीखा है मुंबई गुजराती संगठन से और बहुत सीखना है, और ऐसे नए नए अनुभव और करने हैं। मैंने कभी लाइफ में अभी तक ऐसा कहता पड़ाव नहीं आया कभी कि बर्थडे के दिन पर ऐसे कभी ऐसा सोशल के लिए निकले हैं। ये मेरा भी ऐसा फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये जब आगे बढ़ेगा, हमसे आगे और बढ़ता जाएगा, तभी परिवर्तन आएगा और बहुत अच्छा काम होगा सर। थैंक यू।